बीएमओ भी आएंगे तीनों, आप कल 10:30 बजे मेरे दफ्तर आ जाइएगा काइंडली, ठीक है जी। एंड प्लीज डोंट ट्राई टू डिसीव द गवर्नमेंट, आई डोंट लाइक दिस। आई मैं ये रोस्टर ऊपर भेज दूंगा, आप लोगों के लिए तनख्वाह लेना मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट एक्सटेक्टर कैन नॉट बी टेकन एज योर ओन प्रॉपर्टी। MCH का जो रोज का एक सुर्खियों में आने का उसका शौक है, वो खत्म किया जाए और उसको चलाया जाए। अगर छोड़ के जाएंगे तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल कुछ हुआ तो वी विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल। आई एम नॉट गोइंग टू रन ऑफ द डॉक्टर्स नाउ। भाई अब आप सुपरमैन नहीं हो ना कि आप सब कुछ अकेले कर लोगे, डॉक्टर को चाहिए जहाँ जहाँ चाहिए। और टोट साड़ी वाला इंस्टीट्यूशन के स्टाफ टोट साड़ी में ही बैठेंगे, इंश्योर दैट। BMO मैडम, BMO रियासी तो कोई है नहीं, अब टोट साड़ी वाली BMO को इंचार्ज कैसे बनाएंगे यहाँ पे? टोट साड़ी वाली तो टोट साड़ी बैठेगी ना, यहाँ कहाँ पे उसको इंचार्ज बना दूंगा मैं। इनको बुला लीजिए तीनों लोगों को। ये निखिल डॉक्टर, तीन डॉक्टर हैं आपके पास, संजू चौधरी, रोहित, हिना मीर, महमूद बेगम। बाय बाय। पॉइंट डॉक्टर क्या करने हैं? नहीं सर, पॉइंट डॉक्टर क्या कर रहे हो आप? ये महमूदा जो है ये रोज ड्यूटी क्यों नहीं देगी? एक दिन हफ्ते में एक दिन ड्यूटी देंगे तो तनखा हफ्ते की दूंगा। नहीं सर, रोज ड्यूटी है, अदरवाइज रुक जाएगा ना। देखिए मॉर्निंग 8 से 2 है ना, इस दिन कितने बजे आएंगे ये तो ये इसी को ले लेंगे ना कि हमने तो रोस्टर करना है। भैया ये कहाँ है रेनू बाला? ये बता रहे थे छुट्टी में BMO मैम को इन्फॉर्म किया एप्लीकेशन है। BMO मैम को कौन है? BMO मैम बात करेंगे, बल्ब लगवा दीजिएगा जरा, बेचारे है नहीं। मैं सेक्रेटरी साहब को बोलूंगा, बता रहे हैं कि बल्ब के पैसे नहीं आते हैं। देखो ना डॉक्टर साहब, 1 तारीख को महमूदा की ड्यूटी है, 2 को हिना, 3 को रोहित, 4 को संजू। संडे आपने छुट्टी कर दी सबको? नहीं, संडे का अलग रोस्टर बनेगा। चलिए बने, अलग क्यों बनेगा, ये कोई वो है। फिर आपने 6ठे दिन अजीत पाल सिंह को लगा दिया, फिर 7वें दिन आई ड्यूटी हिना महमूदा की। अगर 7 दिन बाद एक डॉक्टर ड्यूटी देगा भाई साहब तो कैसे चलूंगा फिर? तो मुझे तो कम से कम 15 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, मुझे इतना काम करता हूँ मैं तो। सर उनका भी सारा कंट्रोल किसके पास? मैं तो गोपाल गोपाल से दोबारा बात करो। साहब मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने डिप्लॉयमेंट की, हम सब ने जाना, जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो मैंने डिप्लॉयमेंट की है उसका उसकी डायरेक्टर मेरी एक्सप्रेशन डाल निकाल रही कि आपने ये कैसे कर दिया। मेरी कल डायरेक्टर साहब से बात हुई थी। देखिए डायरेक्टर ने अगर कोई चीज़ की है दैट शुड बी हर्ड इन लेटर एंड स्पिरिट, ही इज योर डायरेक्टर। पाल जी आपका मैं रोस्टर देख रहा हूँ मदर चाइल्ड का, मुझे भी बताया, मैं भी उसी स्कीम में अप्लाई करता हूँ गोपाल भाई साहब। आपने 6 डॉक्टरों की 6 दिन पे ड्यूटी लगाई है, महमूदा, हिना, रोहित, संजू, अजीत पाल सिंह, 5 दिन में, फिर महमूदा, हिना, ये कौन सा साइंस मुझे समझ नहीं आ रही है। मतलब अगर कोई सरकार की तरफ से ऐसी स्कीम चली है डॉक्टरों के लिए मुझे भी बता, मैं भी करवा लेता हूँ किसी की पोस्टिंग। हफ्ते में 1 दिन काम करो, 7 दिन तनख्वाह ले लो, मैं भी अप्लाई करता हूँ भाई। हैं नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट द वे थिंग्स आर डन। अच्छा टोट वाला BMO टोट में बैठेगा, यहाँ पे क्यों बैठा और यहाँ पे ये हॉस्पिटल क्यों नहीं चल रहा है? मुझे कल डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि इसमें इंस्ट्रक्शन है, और आबिद साहब भी कह रहे थे इंस्ट्रक्शन है कि दिस विल रन फ्रॉम व्हाट स्टाफ यू हैव यू विल रन इट फॉर द टाइम बीइंग। सर उसमें उन्होंने डेजिग्नेट किया है मेडिकल सुपर और BMO को मेडिकल फंक्शनल कॉल बोथ ऑफ देम। बस मैं भी वही चेक करने आया हूँ, मुझे कल डायरेक्टर साहब और सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि दोनों चलेंगे। जय माता की। गोपाल कौन आया हुआ है तुम्हारी इंस्पेक्शन? BMO हेडक्वार्टर में होती है ना, BMO छुट्टी थोड़ी जा रही है। दो 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 दो
ये रोज तो इनके पास है, आपके पास नहीं है। मेल के रियासी विशेष पाल महाजन जी आज रियासी के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। इस अस्पताल में सुविधाओं को लेकर काफी उठा पठक चल रही है। जिला विकास कमेटी लगातार संघर्ष कर रही थी कि मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में तमाम वो सुविधाएं दी जाएं जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुविधाएं पर्याप्त रूप से नहीं मिल रही थी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू का भी दौरा यहां पर हुआ, उसके बाद ऐसा लगा कि इस अस्पताल के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उसके बाद जो अंदर बीएमओ दफ्तर को स्पेस दी गई थी उन्होंने अपने दफ्तर को शिफ्ट कर दिया और एक शिकायत भी पुलिस स्टेशन रियासी में बीएमओ द्वारा की गई कुछ स्थानीय लोगों के खिलाफ जो इस संघर्ष को लड़ रहे थे, ये संघर्ष कर रहे थे कि इस अस्पताल में तमाम सुविधाएं दी जाए, जिसके बाद वो सिटीजन जिनके खिलाफ शिकायत थी वो डीसी रियासी से भी मिलने पहुंचे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी यहीं पर बैठकर किया था, मीडिया को संबोधित किया था और उसके बाद डीसी रियासी से भी मिले थे और उसके बाद डीसी रियासी का दौरा अब रियासी के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में, जिसे पुराना अस्पताल भी कहा जाता है, वहां पर हुआ है। मल्टीपर्पज वर्कर जो है ना, जो बीएमओ मैडम से छुट्टी लेके गई है, वो सुबह रिपोर्ट करेंगी आपके साथ। बीएमओ हमारा जो ट्रक है, ट्रक तुम्हारे गलियों में तो गुस्सा नहीं होगा। कल मेरे पास कुछ लोग आए थे जिन्होंने कहा था कि एमसीएच में कुछ डायरेक्शन थी, फिर मेरी सेक्रेटरी हेल्थ और डायरेक्टर हेल्थ से बात हुई थी, जो उन्होंने बताया कि कैसे एमसीएच को वो चलाएंगे, तो मैं वही देखने आया था। कुछ कमियां हैं, सीएमओ साहब वहां पे थे, उनको बताया गया है, बीएमओ जो कंसर्न है उनको बुलाया गया है और एमएस, ताकि ये एमसीएच का जो रोज का एक सुर्खियों में आने का उसका शोक है वो खत्म किया जाए और उसको चलाया जाए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू का दौरा हुआ था मदर चाइल्ड हॉस्पिटल में, उन्होंने जो निर्देश दिए थे उसे ऐसा लगता है कि जो जिला स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने दरकिनार कर दिया और कुछ और ही उन्होंने किया, जो उम्मीद लोगों को थी उसके विपरीत देखने को मिला है। क्या उसके बाद ही आप इसी को जानने के लिए और इसी को एग्जामिन करने के लिए आज मैं अचानक लेट आफ्टर ऑफिस आवर्स, क्योंकि मुझे डायरेक्टर ने ये बताया था कि हॉस्पिटल 2 से 8 और 8 से 2 के टाइम में भी, सॉरी 8 से जो रात को 8 से सुबह चलेगा या जो भी टाइमिंग होता है। मेरा यही है कि जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो रेडी वाले हैं, चाहे मेटाडोर वाले हैं, सब नियमों का पालन करें, ठीक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करें, ताकि डिस्ट्रिक्ट ठीक तरीके से चले।